हेलो एवरीवन, मैं अभिनीत एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका वेलकम करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंबई स्पेशल अफलातून बर्फ़ी, जो बहुत ही डिलीशियस और माउथ मेल्टिंग मिठाई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और इंडियन फेस्टिवल हो, मिठाई ना हो तो फेस्टिवल तो हमारे बिल्कुल ही अधूरे से लगते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई स्पेशल ओकेजन हो, तो आप ये मिठाई घर पर इजीली बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फेस्टिवल सीजन स्पेशल अफलातून बर्फ़ी। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बर्फ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कटोरी घी, आधा कटोरी चीनी, एक बड़ा कटोरी हमने यहाँ लिया है मिल्क पाउडर, आधा कटोरी हम ले रहे हैं सूजी, साथ ही हमने लिया है एक कटोरी मावा, कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें हमने यूज़ किए हैं कटे हुए पिस्ता, बादाम, काजू और एक चम्मच इलायची पाउडर। एक कप यहाँ हम ले रहे हैं दूध, ठंडे दूध का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम डालेंगे एक पैन में देसी घी, यहाँ हमने आधा कटोरी देसी घी का यूज़ किया है। घी गरम हो जाए तब हम उसमें डालेंगे आधा कप सूजी। अब सूजी को आपको लो फ्लेम पर हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। इसे इस तरह लगातार हिलाते हुए लो फ्लेम पर आप इसे भून लें। ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम आपको लो ही रखनी है और इसे लगातार हिलाते हुए आपको भूनना है, नहीं तो सूजी जल भी सकती है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सूजी का कलर चेंज होने लगा है। सूजी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा कटोरी चीनी, साथ ही हम मिला रहे हैं एक बड़ा कप मिल्क पाउडर। दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। मीठा आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आपको ये सारी प्रोसेस लो फ्लेम पर ही करनी है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा बहुत ही बढ़िया आएगा। इसे इस तरह लगातार हिलाते हुए भून लें। 3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और पिस्ता का यूज़ किया है। अब हम इसे लो फ्लेम पर ही 3 मिनट के लिए और भून लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से इस बर्फ़ी में जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, कलर चेंज होने लगा है। मिल्क पाउडर, सूजी और जो हमने इसमें चीनी ऐड की थी, चीनी को हमने कैरमलाइज्ड होने तक इसे भून लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे मावा। एक कटोरी यहाँ हम फ्रेश मावा का यूज़ कर रहे हैं। मावा डालकर आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि आपको मिलाने में आसानी रहे और जो हमारा मटेरियल है वो जले भी नहीं। ये देखिए, मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। दूध डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। दूध और मावे को आपने इस तरह लगातार हिलाते हुए ऑफ फ्लेम पर ही मिक्स करना है। एक बार ये अच्छे से मिक्स हो गए तब आप गैस की फ्लेम को ऑन कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। अब हम इसे लगातार हिलाते हुए लो फ्लेम पर करीब 4 मिनट तक और भून लेंगे। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये जो हमारा मटेरियल है ये गाढ़ा नहीं हो जाता और जो घी है वो कढ़ाई से अलग नहीं होने लगता। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मटेरियल जो है वो थिक होना शुरू हो गया है।
इसे थोड़ा सा अभी हमें और भूनना है। ऑलमोस्ट ये अच्छे से भून चुका है, कढ़ाई से अलग होने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। बहुत ही बढ़िया ब्राउन कलर इसमें आ गया है। अब हम लेंगे एक ट्रे, अगर आप स्टील की ट्रे या थाली यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले उसे घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लें। कांच की अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सारा मटेरियल इस ट्रे में डाल देंगे। अब इसे स्पैचुला की मदद से इस तरह से प्रेस कर दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से, कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू डालकर आप इसे गार्निश कर लें और इसे स्पैचुला से प्रेस कर दें ताकि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये इसमें अच्छे से सेट हो जाएं। अब हम इसे करीब 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब नाइफ़ की हेल्प से अब हम बर्फ़ी के पीसेस कट कर लेंगे। मैं इसे रेक्टेंगल शेप में कट कर रही हूँ, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है। कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है, एकदम सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग मुंबई की स्पेशल अफलातून बर्फ़ी आज हमने घर पर बनाकर तैयार की है। इसे बनाने में हमने सारे ही मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है। आप इस रक्षाबंधन पर इसे बनाइए, इवन आप इसकी पैकिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे क्लिंग फिल्म से या बटर पेपर से कवर करके सुंदर से एक बॉक्स में आप पैक करके इसे आप गिफ्ट कर सकते हैं अपने ब्रदर्स को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये अफलातून बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई और बढ़िया रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।